आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि शायद आपकी डिक्शनरी से एक शब्द बाबू आज गायब हो सकता है, अगर आपके अंदर कोई देश भावना की भक्ति जागती है तो। आज हम जानेंगे कि बाबू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे जुड़ा जो इतिहास है वो क्या रहा, और इसका इतिहास जो था वो अपमानजनक था। तो चलिए देखते हैं बाबू शब्द कैसे आया। भारत में बाबू शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हर किसी का कोई ना कोई आज के टाइम में बाबू है। लड़की का बॉयफ्रेंड उसके लिए बाबू है, तो लड़के के लिए लड़की बाबू है। और दूसरी बात यह है कि हमारे हरियाणा में यहाँ पे क्या होता है कि अपने पिताजी को संबोधित करने के लिए बाबू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही कई अन्य जगहों पर इसके अनेक अर्थ होते हैं। किसी सरकारी दफ्तर के अधिकारी से लेकर छोटे बच्चे को अक्सर बाबू नाम से ही पुकारा जाता है। यहाँ तक कि नए जमाने के निब्बा निब्बी भी एक दूसरे को प्यार से बाबू, सोना बाबू, न जाने क्या क्या नामों से पुकारते हैं। यूपी बिहार में चले गए तो वहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए बाबू है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये बाबू शब्द आखिर आया कहाँ से है और किसने इसकी उत्पत्ति की है? दरअसल हम भारतीयों की हमेशा से ही ये आदत रही है कि हम बिना कुछ सोचे समझे पश्चिम सभ्यता का अनुसरण करने में खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और आज भी वही होता आ रहा है। हमें अक्सर लगता है कि जो काम विदेशी कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। विदेशी कपड़े पहनने से लेकर अंग्रेजी बोलने तक कुछ लोग इसी में गर्व महसूस करने लगते हैं। भारत में आज भी अगर कोई सूट बूट पहनकर फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करे तो लोग आसानी से उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण हमारा इतिहास रहा है, क्योंकि बाबू शब्द भी इसी बात से जुड़ा हुआ है। अब क्या है इसका इतिहास? इस शब्द के पीछे का इतिहास बेहद पुराना और दिलचस्प है। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा था। इस दौरान उन्होंने भारत पर तकरीबन 200 साल तक राज किया। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारी अपने घरों में घरेलू सहायक के तौर पर केवल भारतीयों को ही रखते थे। इसके बदले में अंग्रेज उन्हें कुछ पैसे के साथ साथ अपने फटे पुराने कपड़े भी दे दिया करते थे, और घरेलू सहायक इसे खुशी खुशी रख भी लेते थे और पहनते भी थे। अंग्रेजों के दिए हुए कपड़े पहनने के बाद ये घरेलू सहायक अक्सर अपने साहब की नकल करने लगते थे और उन्हीं की तरह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने का प्रयास भी करते थे। घरेलू सहायकों के इस व्यवहार से अंग्रेज खुद का मनोरंजन करने लगे। इनकी ढीली ढाली बेमेल पोशाक और टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर अंग्रेज उन्हें बबून कहकर उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। अब बबून क्या होता है आप सबको पता होगा, बंदर होता है, बंदर की एक प्रजाति होती है। अब बबून बाबू कैसे बना? बबून से ही बाबू बन गया भाई। हम भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज अधिकारी और उनकी पत्नियां हमसे काफी इम्प्रेस्ड हैं और हमें प्यार से क्या करते हैं, बबून बुलाते हैं। लेकिन उन्हें शब्द का सही मतलब मालूम ही नहीं था, क्योंकि भाई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अंग्रेजी आती नहीं थी। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी अपने घर में घरेलू सहायकों को इसी शब्द से पुकारने लगे। समय के साथ साथ यही बबून धीरे धीरे क्या हो गया, बाबू बन गया। इसके बाद बाबू शब्द किसी को प्यार से पुकारने का पर्याय भी बन गया। इसके अलावा अंग्रेज बबून शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी करते थे जिनके शरीर से बदबू आती थी, जो गरीब होते थे, निचले दर्जे के होते थे। ये अधिकतर भारतीय ही होते थे, क्योंकि उस वक्त अधिकतर मेहनत वाले काम भारतीय ही किया करते थे। इस दौरान अंग्रेज उनके पास से पसीने की बदबू आने के चलते उन्हें बबून कहते थे। लेकिन 19वीं सदी में बाबू शब्द का इस्तेमाल एक अलग तरीके से होने लगा। आज़ादी के पहले से ही भारत में सभी सरकारी क्लर्कों के माध्यम से होते थे। इस दौरान आम लोगों ने अपने काम निकलवाने के लिए, क्लर्कों को खुश करने के लिए उन्हें प्यार से बाबू बोलना शुरू कर दिया। भारत में धीरे धीरे इस शब्द का इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों में बड़ी मात्रा में होने लगा। इस दौरान बड़े अधिकारियों को बड़े साहब, जबकि उनसे जो छोटे अधिकारी होते थे उनको बाबू नाम से पुकारा जाने लगा। 20वीं सदी में ये शब्द आदर और सम्मान का सूचक बन गया, जो आज तक चला आ रहा है। भारत में आज भी कई परिवारों में लोग अपने पिताजी को बाबूजी भी कहकर बुलाते हैं। आज़ादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन 21वीं सदी में इस शब्द के मायने ही बदल गए। आज के दौर में छोटे बच्चों को प्यार से बाबू बुलाया जाता है, बाबू इधर आओ बाबू। इसके अलावा प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे को प्यार से बाबू बुलाते हैं, बाबू आई लव यू, प्लीज आज मिल लो। तो चौंक गए ना आप?
तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आप आज के बाद यानी कि अब के बाद बाबू शब्द का इस्तेमाल करेंगे ये भी ज़रूर बताएं।